बुधवार को संसद के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ उसने नए संसद भवन के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। जाहिर तौर पर संसद की सुरक्षा में कल बड़ी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए और ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरी बेंच पर भागने लगे। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी का माहौल था, सांसद इधर उधर भागने लगे। हमारे देश की संसद में क्या कोई भी आम व्यक्ति जा सकता है? तभी तो दो युवक इस तरह से दर्शक दीर्घा से कूद गए, नीचे सांसदों के पास आ गए। आपको वो पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि किस तरह से आप और हम संसद में जा सकते हैं, आपको क्या कुछ करना होगा। हमारे देश की संसद में कोई भी आम आदमी जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक सख्त प्रक्रिया है। दरअसल दो तरीके से संसद में प्रवेश मिल सकता है। पहला तरीका है विजिट के लिए पास बनवाना। इस तरह के पास से संसद के अंदर म्यूजियम वगैरह दिखाया जाता है। इसके अलावा संसद के अंदर एक विजिट तब होती है जब संसद में सत्र चल रहा होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति संसद में जाकर लोकसभा की कार्यवाही सीधे देख सकता है। लोकसभा में कार्यवाही देखने के लिए एक फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म लोकसभा के रिसेप्शन ऑफिस, लोकसभा की एक आधिकारिक वेबसाइट www.parliamentofindia.nic.in से मिलती है। इस फॉर्म में आवेदक का नाम, पिता का नाम, उम्र, व्यवसाय, लोकल और स्थायी पते जैसी जानकारियां देनी अनिवार्य होती है। इसके बाद आवेदक इस फॉर्म को किसी भी लोकसभा सांसद से वेरीफाई करवा सकता है। ये सांसद आपके संसदीय क्षेत्र से ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। पास तभी जारी होगा जब इसके फॉर्म पर सांसद के दस्तखत और मुहर लगी हो। लोकसभा की दर्शक दीर्घा के लिए एक दिन के एडवांस पर ही पास बनवाए जा सकते हैं। दर्शक दीर्घा में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता और उपलब्ध सीटों के आधार पर कुछ ही घंटों के लिए पास दिया जाता है। पास के अलावा संसद का एजुकेशनल टूर भी करवाया जाता है। इसमें बच्चों के एक समूह को लोकसभा की कार्यवाही दिखाई जाती है। इसके लिए स्कूल या फिर अन्य शिक्षण संस्थान को किसी सांसद, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के महासचिव से संपर्क करना होता है। सभी बच्चों की जानकारी पहले से ही उपलब्ध कराई जाती है, उसके बाद ही उनके पास जारी किए जाते हैं। सीधे शब्दों में समझे तो संसद भवन के अंदर प्रवेश के लिए आपको एक विशेष विजिटर्स का पास प्राप्त करना होता है। ये विजिटर पास संसद के दोनों सदनों में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग जारी होता है और एक पास केवल एक सदन के लिए ही मान्य होता है। यहाँ लोकसभा के लिए हरा तो वहीं राज्यसभा के लिए मेहरून पास जारी किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा तो परिसर में प्रवेश का पास प्राप्त करना काफी आसान हो जाता है। तो जाहिर तौर पर आप और हम या फिर कोई भी संसद में आसानी से जा सकता है। उसके लिए उसे फॉर्म भरना होगा, एक पास प्राप्त करना होगा और वो चाहे म्यूजियम टूर हो या फिर सीधे सदन की कार्यवाही, उसमें वो देख सकता है, उसका आनंद ले सकता है, समझ सकता है। और इसी तरह से कल वो दो युवक संसद में आए, दर्शक दीर्घा से कूदे, उत्पाद मचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समय रहते पकड़ लिया गया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।